हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्षीर सागर कानबाई मंदिर, जो कि काफी ज्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ पर आपको विश्व की सबसे प्राचीनतम प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी, जो कि सतयुग के समय की है। ये पुष्कर से लगभग 9 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और गाइज, ये जो प्रतिमा है वो निकली थी एक कुंड से। तो गाइज, ये है वो कुंड जिसे कि क्षीर सागर कुंड के नाम से जानते हैं, और इसी के नाम पर इस मंदिर का नाम पड़ा, क्षीर सागर मंदिर। तो गाइज, अब चलते हैं मंदिर के अंदर, आपको दर्शन कराता हूँ भगवान विष्णु की उस मूर्ति की, जो कि 9 फीट लंबी है, जिसमें भगवान विष्णु शेषनाग पर लेटे हुए हैं। तो गाइज, चलते हैं मंदिर के अंदर, और ये है मंदिर के बाहर का नजारा। ये एक गांव में बना हुआ है मंदिर, तो यहाँ पर आकर आपको काफी शांति और सुकून भी महसूस होगा। तो गाइस, कुछ ऐसा नज़ारा है मंदिर के अंदर का, और ये जो मंदिर आप देख रहे हो सामने, इसी मंदिर के अंदर वो प्रतिमा रखी हुई थी जो कि उस कुंड से निकाली गई थी, लेकिन खंडित होने की वजह से उस मूर्ति को यहाँ से बगल वाले मंदिर में शिफ्ट कर दिया, और यहाँ पर ठीक वैसी ही मूर्ति बनाकर स्थापित कर दी गई। तो गाइज, अब चलते हैं, देखते हैं वो प्रतिमा और आपको भी दर्शन कराता हूँ। तो गाइज, ये है वो मूर्ति, यहाँ पर लिखा हुआ भी है विश्व की सबसे प्राचीनतम प्रतिमा महालक्ष्मी संग महाविष्णु। तो गाइज, ये है वो मूर्ति जो आप देख रहे हो अंदर, थोड़ा नजदीक से मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो मूर्ति है जो कि बाहर मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था कि बाहर एक कुंड बना हुआ था जिसे कि क्षीर सागर के नाम से जानते हैं, उस कुंड से निकली थी ये मूर्ति। इस मूर्ति में भगवान विष्णु शेषनाग पर लेटे हुए हैं और माता लक्ष्मी भी विराजमान है। ये मूर्ति 9 फीट लंबी है, और गाइस, ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण पुष्कर आए थे तब उन्होंने इस जगह को अपना निवास स्थान बनाया था, और उनकी उपस्थिति में उनका जन्मदिन यहाँ पर बनाया गया था। तभी से पिछले 5000 वर्षों से लगातार यहाँ पर उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। जब ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान को आमंत्रित किया था, 33 करोड़ देवी देवता को आमंत्रित किया था, उस टाइम भगवान विष्णु का निवास स्थान ही ये बताते हैं। तो यहाँ भगवान क्षीर सागर में सेन करते हुए शांताकारम भुजंग सेनम पद्मनाभम सुरेश्वरम विश्वाधारम गगन सदसम मेघवर्णम सुवांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योग विधान गम्यम वंदे विष्णु भव्य हरणम सर्वलोकिकनाथम नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा ब्रह्मा से सृष्टि रची गई है। ब्रह्मा जी का स्थान भी बाद में है ये। अब ये स्थान है ये 41,000 अपने जो 18 पुराण है उसमें कुरान भी आ गया है। 18 पुराण में अपना पूरा इतिहास दिया हुआ है। इसमें भगवान राम जी भी यहाँ सवा पेड़ तक तपस्या की है। जब भगवान ने 60 ताड़ के वृक्ष गिराए थे वो भी यहाँ ही स्थान है। वो एक जो अपन संस्कृत में कहते हैं गन्ना, एक बोलते हैं संस्कृत गन्ना कहते हैं अपन, ये गन्ना की खेती भी यहाँ पुष्कर में ही होती थी। तो ये पूरा मतलब जो भी सीता जी ने भगवान राम जी को गन्ने का ही फल प्राप्त किया था। अच्छा। और भगवान राम जी ने गन्ना खाया था। भगवान कृष्ण द्वापर में भगवान कृष्ण का अवतार है यहाँ। ना दे नंदगांव में बांसेली बरसाना है, गोलिया गोकुल है, किशनपुरा किशन नगरी के नाम से जाना जाता है। ऐसे करके मतलब ये डेरे डाले थे भगवान ने। तो यह भगवान का यह जन्म उत्सव जन्माष्टमी को होता है, गोगानंबी का इधर मेला लगता है, तो हमारा सबसे बड़ा फंक्शन भगवान कृष्ण का होता है। दही हांडी का प्रोग्राम वगैरह सब होता है, पूरा प्रशासन लगा हुआ रहता है, बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। ये क्षीर सागर भगवान क्षीर सागर में सेन करते हुए जो ये पीछे कुंड है क्षीर सागर का, वहाँ सावन की चटनी को इधर भगवान को खीर का दान होता है।
यहाँ 24 कोस और 84 कोस की परिक्रमा यहाँ आती है, तो यहाँ मतलब छठमी को यहाँ आती है, और जो अपने कार्तिक में भी मेला आएगा इसमें 11 को यहाँ आती है, 84 कोस की 11 को आती है और छठमी को आती है 24 कोस की। तो इसमें क्या है कि भगवान क्षीर सागर में शयन करते हुए तो भगवान को क्षीर सागर का मतलब खीर का दान होता है, यहाँ दूध की तरह पानी है। तो यहाँ नागपाड़ से गुप्त गंगा, ये नंदा निकलती है, सरस्वती निकलती है, इधर गुप्त गंगा। तो भगवान के चरण छूने के लिए तीनों त्रिवेणी नदियाँ या त्रिवेणी संगम है आपके नाम में ना? तो ये क्या है कि मतलब भगवान विष्णु का चरण छूने के लिए नदियाँ चलती थी। और मंदिर तोड़ो मस्जिद बनाओ, उस टाइम में यहाँ तोड़ फाड़ चली थी, भगवान ने आकाशवाणी की और यहाँ से औरंगजेब को बोल दिया था कि तू यहाँ से भाग जा, नहीं तो तेरी सेना पूरी टुकड़ी टुकड़ी करके मर जाएगी। वो माना नहीं, आक्रमण कर दिया इस मंदिर पे। तो भगवान ने तीनों नदियों को भयभीत कर और वो पानी पानी कर दिया चारों तरफ से, वो पूरी सेना को घेर लिया नदियों ने, फिर वो पूरी सेना उसकी टुकड़ी टुकड़ी करके मर गई। यहाँ से फिर निकला वो सीधा बूढ़ा भुस्कर, जो नाम करते अपन, वहाँ निकला वो, यहाँ से दौड़ा तो वहाँ जाके और उस टुकड़ी में पानी देखा, पानी देखते ही मुंह देखते ही वो बुढ़ा हो गया। भगवान का श्राप लगा हुआ था कि तो बुढ़ा होके भी मर जाएगा, यहाँ से रोपण कर जाते जाते खत्म हो गया। ऐसा कुछ हाँ, पीछे मंदिर के पीछे कुंड है, उसमें शेर सागर कुंड बोलते हैं उसको, उसमें छठ में वो खीर का दान होता है। हाँ, सदैव काल के मंदिर है। तो गाइस, इस व्लॉग को करते ही यहीं पर समाप्त। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी करें। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।